हेलो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज स्वाति। सो टुडे आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक दीज लिटिल फोटो होल्डर्स विथ क्ले। वेट फॉर टू थ्री मिनट्स। हाय सुजाता, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास में ये क्यूट सा टेडी बियर बनाने वाले हैं। ये फोटो होल्डर है और ये लव बर्ड्स। ये की चेन है, इसमें अभी मैंने चेन नहीं लगाया है। देखिए यहाँ पे ये होल है, ये वैलेंटाइन स्पेशल है। और कुछ और भी जो मैंने क्ले से बनाए हुए हैं, एक एक क्यूट सा टेडी बियर। हाय संगीता, हाय रीना। ये बी, लिटिल हाउस, इसको आप मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। जब तक क्लास स्टार्ट हो रही है और लोग जुड़ रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा अपना क्ले का वर्क दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये रोज है, क्ले के रोज। ये देखिए इनकी डिटेलिंग। बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं ये। बॉटल आर्ट्स, ये रिसेंट अभी मैंने बनाया है वैलेंटाइन के लिए। सम मोर, कल से मेरा इसका क्लास स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अब बनाना। और शेयर करिए प्लीज दूसरे ग्रुप में भी। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है। प्लीज प्रमोट करें मेरे फेस और मेरे पेज को। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम टेडी बियर। ओके, टेडी बियर बनाएंगे पहले क्यूट सा। तो मैं कैमरा डाउन कर लेती हूँ। सी दीज लिटिल वेजिटेबल्स, आई होप इट इज visible to all. Banana, these are carrots, tomato, corn,
देखिए कितने टाइनी है और कितना उस पे मैंने वर्क किया हुआ है। मैं इनको साइड में करती हूँ और आज हम ये जो बनाने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? आज अभी हम सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू सुजाता, टेडी बियर बनाएंगे। इसके लिए मैं ये क्ले ले रही हूं, ये मेरी होममेड क्ले है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। और एक राउंड बनाएंगे, क्रैक नहीं होना चाहिए इस बॉल में। ये देखिए, ये क्रैक फ्री है। इसको ऐसा हम ओवल सा शेप देंगे, एग जैसा, ओवल भी नहीं था, थोड़ा एग की तरह। ये देखिए बस। फ्लैट सरफेस पे थोड़ा सा हम इसे प्रेस करेंगे क्योंकि हमें टेडी बियर को बिठाना है, ये उसका बॉडी है। टूथब्रश लेंगे और इस तरीके से इसमें टेक्सचर देंगे। देखिए हमारा जहां जहां हाथ लगेगा ये टेक्सचर हट जाएगा थोड़ा सा, तो हम उसे बाद में फिर देंगे, पर जब हमने बनाया है तभी हमें इसको करना है, क्योंकि जब अगर क्ले ड्राई हो जाएगी तो ये टेक्सचर नहीं बना पाएंगे हम। आप ब्रश की जगह टूथपेक या कुछ भी ले सकते हैं। हाय मनीषा, नाउ अगेन हम एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। पहले हमें क्ले को अच्छे से नीट करना है। ये देखिए, क्ले को नीट करना बहुत जरूरी है। बॉल बन गया, हल्का सा उसे हम हैंड से प्रेस करेंगे और इस पे भी हमें टेक्सचर देना है। आज मैं आपको 4 आर्टिकल्स बताने वाली हूँ। एक तो ये है, एक हम लव बर्ड्स बनाएंगे, ये 2, ये की चेन और एक इस तरीके, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों को विजिबल है, इजीली दिख रहा है,
प्लीज दूसरे भी ग्रुप में शेयर करें। अभी हमें इसके लेग बना रहे थे, सेम अमाउंट में हमें क्ले को डिवाइड करना है। हमने क्ले को डिवाइड किया है तो सेम अमाउंट में इसको राउंड करेंगे। और ये फिंगर की हेल्प से देखिए, इस तरीके से इसको हमें बस एक ही साइड आगे पीछे और आगे पीछे इस तरीके से करना है। ये हमारा लेग बन गया। इसी तरीके से दूसरा, पहले राउंड बनाएंगे और ये आगे पीछे, बस पूरा राउंड नहीं करना है हमको, बस आगे पीछे करना है। तो दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। देखिए इस पे भी हमें टेक्सचर देना है। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें टेक्सचर आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे बनाएंगे लेग्स के लिए ऐसे। ग्लू लगाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे, इसको उसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए कि हमारे हाथ इसमें लग रहे हैं बार बार, तो उसका टेक्सचर हट रहा है। तो एक बार और हम उसको इसी तरीके से हम ईयर बनाएंगे। छोटा सा चंक लिया है मैंने, इसको जस्ट प्रेस कर देंगे राउंड करके। दूसरा कलर ले रही हूं मैं। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से उस पर लगा देंगे ग्लू की हेल्प से। टेक्सचर हमें इस पर भी देना है।
टू पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर देंगे। हल्का सा इसको यहां से ऐसे प्रेस करेंगे। वो कुछ भी इस तरीके से आप ले सकते हैं, उससे इसे यहाँ पे ऐसा राउंड कर दीजिए। देखिए इसका टेक्सचर फिर चला गया। हम इसको हल्के हाथों से फिर ऐसे कर देंगे। दूसरा भी उसी तरीके से बनाएंगे। कोई भी आप राउंड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रश का यूज किया है। यहाँ से ईयर के लिए हम दो स्पेस बनाएंगे। देखिए यहाँ यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। छोटा सा बॉल बनाएंगे, ओवल शेप देंगे उसको ऐसे और प्रेस कर देंगे। आपको विजिबल तो है। अब थोड़ा मैं ब्लैक कलर का क्ले लूंगी इसकी आईज के लिए। आई के लिए देखिए यहां पे हम इसे प्रेस करेंगे। जहां हमने ये नोज बनाया है इसका उसी की साइड। थोड़ा सा ग्लू नोज के लिए हम इसको वी शेप देंगे। आप कोई भी शेप लगा सकते हैं। मैं उसे थोड़ा सा वी शेप दे रही हूं। यहां मैंने नॉर्मल ग्लू ही यूज किया है।
इसको हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस कीजिए और इसमें साइड साइड से इस तरीके से लाइक करें प्लीज, और बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछें। ये इस तरीके के वायर आते हैं, फ्लावर मेकिंग के लिए यूज होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। हम इससे इसको अटैच करेंगे, इसके हेड को इसकी बॉडी से। पहले यहाँ पे इसे एक होल बना लेंगे, उसके फेस में भी। ऐसे ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाना जरूरी है, इससे अच्छे से ये स्टिक हो जाता है। तो इसके नेक के इधर भी हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। देखिए बहुत ही इजी है। इसके हैंड बनाएंगे, तो हैंड के लिए भी हम इक्वल पार्ट में दो बॉल्स बनाएंगे। इक्वल बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक छोटा एक बड़ा दिखेगा। अच्छे से पहले नी कर लीजिए इसको, क्ले को इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जिस तरीके से हमने लेग बनाए थे उसी तरीके से हम हैंड बनाएंगे। टेक्सचर हमें साथ के साथ देते ही जाना है, नहीं तो अगर जैसे हमारा क्ले ड्राई हो गया तो फिर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एयर ड्राई क्ले है। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसकी नेक के पास से ही हमें हैंड लगाने हैं, तो यहाँ हल्का सा हम ग्लू लगाएंगे और इस तरीके से हम हैंड लगा देंगे। ये हैंड मुझे ऐसे नीचे चाहिए और ये हैंड ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लगा रही हूं। आप चाहें तो कैसे भी लगा सकते हैं।
ये देखिए, अब हम ऐसा हार्ट बनाएंगे। साइड कर देते हैं, क्ले को अच्छे से नीट करेंगे। इसका बॉल बनाएंगे और इसको ऐसे वी शेप देंगे। देखिए, हल्का सा इसको उसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे क्रैक दिख रहा है, मैं फिर से इसे नीट करूंगी। आपको ऐसे वी शेप देना है और हैंड से इसे प्रेस कर देना है। इसका हम सेंटर लेंगे, ये सेंटर है, सेंटर पे इसको ऐसे प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको इस साइड, थोड़ा ऐसे। ये हमारा हार्ट रेडी हो गया। इसको हैंड से थोड़ा सा हम राउंड करेंगे, शेप देंगे। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे टेडी बियर में फिट हो रहा है कि नहीं। ये फिट हो रहा है। अब जैसे इसमें मैंने लिखा है LOV, इस पे भी हम लिखेंगे। इस तरह के लेटर्स मिलते हैं। बस आपको इसको लेके इस तरीके से इस पे प्रेस कर देना है। स्पेस कम है इसलिए मैं ई नहीं लिख रही हूं, सिर्फ LOV। देखिए कितना ब्यूटीफुली आया है इस पे। थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे।
ये इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे। इसका हैंड जो है टेडी बियर का यहाँ रखेंगे, तो इसको भी हम ग्लू कर देंगे तो यह स्टिक हो जाएगा। हम चाहिए इस तरीके का वायर, इसको राउंड कर देंगे। आप कुछ ले भी सकते हैं राउंड करने के लिए। बस इस पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको हम सर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा क्यूट सा टेडी बियर रेडी है। यहाँ पे हम फोटो लगा देंगे तो ये फोटो होल्ड करेगा। मैं आपको होल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें फोटो लगा सकते हैं। वो ये डेस्क पे बहुत ही अच्छा लगेगा। आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। वैलेंटाइन पे तो ये स्पेशल है ही वैलेंटाइन के लिए, पर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो अभी हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसको 24 आवर्स लगेंगे ड्राई होने के लिए। अब हम ये लव बर्ड्स बनाएंगे। जब भी हम ये क्ले यूज करते हैं तो हमें इसको पहले अच्छे से नीट करना पड़ता है और थोड़ा सा क्रीम हैंड में लेना है ताकि ये स्टिक ना हो। और जिस भी सरफेस पे हम काम करें वो सरफेस भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को। ये लव बर्ड्स के लिए हम एक राउंड बॉल बनाएंगे इस तरीके से, और ये हमारे पाम की हेल्प से यहाँ से ऐसे हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। आप कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। और इसको दूसरा शेप भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से।
आप अपनी इमेजिनेशन लगा सकते हैं। यस, मैं यहाँ रोलिंग पिन ले रही हूँ, हल्का सा उसको प्रेस कर रही हूँ। लव बर्ड्स के लिए मैं व्हाइट क्ले ले रही हूँ। अच्छे से इसको नीट करेंगे और टू इसका इक्वल बॉल बनाएंगे। ये देखने में बहुत टफ लगता है पर बहुत इजी है। आप एक बार शुरू करेंगे क्ले का काम करना तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। बस अब इसको हमें ऐसा वी शेप देना है थोड़ा सा, ये और इस तरीके से इसको हम प्रेस कर दें। बस डन। एक लव बर्ड बन गई है। इस तरीके से हमें इसे प्लेस करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर वायर का यूज करेंगे। वायर को ग्लू लगाएं और जैसे हमने प्लेस करके देखा था, बस ये देखिए उससे थोड़ा सा आपको मिल जाएगा कि इसको कहाँ हमें लगाना है। इसे प्रेस कर दीजिए, इसके विंग्स बना लेंगे। ये जो बनाया था मैं इससे थोड़ा सा अलग दिखा रही हूँ, ये बना के थोड़े कलर कॉम्बिनेशन मैंने अलग लिए हैं। स्मॉल बॉल बनाएंगे, उसको टीयर ड्रॉप का शेप देंगे और प्रेस कर देंगे।
इस तरीके से। टूल कुछ भी ले सकते हैं आप, टूथपिक ले लीजिए या इस तरीके का नाइफ यूज कर सकते हैं। और ये इस तरीके से इसमें बस कट लगाना है ऐसे। थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। इसको ऊपर करते हुए ये अगेन टीयर ड्रॉप शेप उसको प्रेस कर देंगे। छोटी छोटी डिटेल ही जो है इसमें बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही इजी है बनाना। देखिए ये विदाउट टूल ही है, हम इसमें ऐसे कोई खास टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से इसमें विंग्स लगा देंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे वुड का बनाया हुआ है इसके लिए हम यूज करेंगे ब्राउन और रेड क्ले। देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आया उसमें टू कलर्स का, है ना, डार्क और लाइट। तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे बनता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर का क्ले लिया है, थोड़ा सा येलो ऑकर, येलो ऑकर हम कम लेंगे। इस तरीके से इसका कॉइल बना लेंगे। दोनों को ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। एंड अगेन फिर से ट्विस्ट कर देंगे। बस ये देखिए कितना अच्छा आया है ये मार्बल इफेक्ट एकदम। सो ग्लू लगा देंगे और स्टिक कर देंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास एक हार्ट रखा हुआ है, मैं इसको ही इसमें स्टिक करूंगी।
Sí, इस तरीके से अब इसकी डिटेलिंग के लिए मैं एक्रिलिक ब्लैक एक्रिलिक कलर यूज कर रही हूँ। उसकी आईज मैंने एक्रिलिक कलर से बनाई है। इसके बीक के लिए हम रेड कलर लेंगे। टाइनी सा उसको वी शेप देंगे। Just use glue. And see, let's take it. I don't know if it's visible to you or not, but it's very tiny. Yeah, it's really very beautiful and cute. Now again taking some white clay and making small balls. Use glue to stick it. Just press it with hand.
Now for this, ये heart shape के लिए हमें इस तरीके से बनाना है. तो फिर से हम ये वायर लेंगे, इसको हमें हैंड से ही शेप देना है इस तरीके से. आपको कितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से इसे कट कर लीजिए. थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए. बस इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे. नाउ इट्स रेडी. प्लीज अदर ग्रुप में भी शेयर करें. अभी हम ये बनाएंगे कीचेन. ये बहुत ही अच्छा आइडिया है वैलेंटाइन पे गिफ्ट करने के लिए अपने लव वंस को. सो लेट्स मेक इट. इसको मैं रोलिंग पिन से पहले रोल करूंगी क्योंकि मैं इसके लिए एक मोल्ड यूज करने वाली हूँ. तो मैं इसको थोड़ा सा थिक ही रख रही हूँ. बस ये हार्ट शेप का एक कटर है. इस हार्ट शेप की कटर से मैं इसको कट कर लूंगी. पूरा शेप नहीं आया उसका. फिर से करेंगे. मैं हल्का सा रोलिंग पिन से फ्लैट करूंगी कि मुझे थोड़ा सा इसका साइज बड़ा चाहिए. पर ध्यान से कि इसका शेप ना बिगड़े.
ये टूथपिक्स है या कॉर्नर में, बिल्कुल यहाँ पर स्पीक, इस तरीके से स्पेस बना देंगे दोनों साइड से। इसको हल्के से राउंड ऐसे ऐसे घुमाना है बस। देखिए मैं स्किन कलर का क्ले ले रही हूँ यहाँ पे, इसको भी अच्छे से नीट करेंगे। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, ये मेरी उनके लिए, ये मैंने मेरी होममेड क्ले है और हम ये की चेन बना रहे हैं वैलेंटाइन के लिए इस तरह की। और इससे पहले अभी हमने ये दो प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। इसे हम राउंड बनाएंगे, इसको हल्के से हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे बस। एक और बनाएंगे, उसको भी इस तरीके से प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हल्का सा उसको फ्लैट करेंगे। ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे उसको हल्का सा वी शेप देंगे, देख इस तरीके से। फेस मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने उसका थोड़ा क्ले कम किया। थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे, इसको स्टिक कर देंगे इस हार्ट पे। हेयर के लिए यहाँ मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ और देखिए किस तरीके से हम हेयर्स बनाएंगे। हमें जस्ट टीयर ड्रॉप शेप बनाना है, हाथ से उसको प्रेस कर देना है ये। और कोई भी टूल लेके आप टूथपिक भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं और बस ऐसे लाइंस बना देनी है, उसको हल्का सा हाथ से ऐसे शेप दे देना है। टीयर ड्रॉप शेप एंड अगेन जस्ट टू थ्री लाइन्स।
थोड़ा सा हम ग्लू इस पे लगा देंगे। नो, इसको अब स्टिक करेंगे, कॉर्नर से इसको इस तरीके से हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए, ताकि ये लगे कि ये हमारे हेयर ही है। आई होप ये आप सबको विजिबल है। थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हम गर्ल्स की भी ईयर्स बना देंगे। जस्ट मेक अ टीयर शॉप ड्रॉप शेप और उसको प्रेस करेंगे। ये लाइन्स आप टूथपिक की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से भी बना सकते हैं। Make three balls, two teardrop shape बनाने हैं हमें।
ब्लैक एक्रेलिक कलर लेंगे इसकी डिटेलिंग के लिए। बस अब यहाँ पे आप इसको भी ड्राई होने में टाइम लगेगा। ये रेडी है हमारे तीन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आप कोई भी जंप रिंग लेकर या ऐसे इसमें से इसको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका की रिंग रेडी है। सी टुडेज प्रोजेक्ट वी हैव डन। Hope you all like this. Enjoyed you doing this. आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर भी करें दूसरे ग्रुप में। तो मैं और भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लेकर आऊंगी। अभी मेरा इसका क्लास स्टार्ट हो रहा है कल से ट्यूलिप्स का। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। मेरे पेज पे इसका इन्फॉर्मेशन है, मुझे व्हाट्सअप करें। और अभी इसका क्लास स्टार्ट होने वाला है इस प्रोजेक्ट का। आई होप सबको पसंद आया हो। और अगर आप बनाए तो मेरे साथ शेयर करें इनकी पिक्चर्स। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके।